हल्के हवाई जहाज में मैनुअल ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मैनुअल का मतलब हुआ प्लेन का चालक अपनी सूझबूझ से प्लेन के जमीन को छूने पर ब्रेक्स लगाएगा और इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक गलती और सब खत्म। अच्छा, तो क्या प्लेन में हमारी कार्स की तरह ब्रेक काम करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम में पैडल को प्रेस करके ब्रेक्स लगाए जाते हैं और इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है मास्टर सिलेंडर को। ठीक है, पर ये मास्टर सिलेंडर किस बला का नाम है? देखो, प्लेन की कॉकपिट में पायलट के फुट पैडल के बराबर में ब्रेक ऑयल से भर के मास्टर सिलेंडर को लगाया जाता है। अब सुनना ध्यान से, जितना दबाव पैडल पर लगाया जाएगा उतने ही जोर से ब्रेक लगेंगे। इन हल्के प्लेन्स में कोई एबीएस सिस्टम नहीं होता। आओ अब देखते हैं मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या फिट किया गया है। मास्टर सिलेंडर में एक पिस्टन, एक स्प्रिंग और एक ट्यूब को फिट किया गया है। ये ट्यूब ब्रेक ऑयल को एक्चुएटिंग सिलेंडर तक ले जाती है। एक्चुएटिंग सिलेंडर को डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, तो तापमान बढ़ने और घटने पर ब्रेक ऑयल के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को कैसे रोकोगे? देखो, उसके लिए पिस्टन रॉड के ऊपर एक कंपनसेटिंग वाल्व लगाया जाता है जो तापमान बढ़ने पर ब्रेक ऑयल को ऊपर जाने का रास्ता देता है और तापमान घटने पर वो ऑयल वापस अपने सिलेंडर में चला जाता है। इसके आगे कहानी अगले वीडियो में। अब आपके लिए सवाल, एबीएस ब्रेक्स की फुल फॉर्म क्या है?